क्योंकि क्या मेंस में भी अपनी जो एनआईटीज हैं, जो अपनी 31 NITs है उसमें क्या टॉप की 10 NITs, ये जो टॉप की 12 NITs है क्या वो बहुत अच्छी है? तो देश की जो टॉप 25 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके टॉप 3 ब्रांचों में हमारा नाम होना, अगर उन टॉप 25 से 30, बल्कि सही बताऊं तो इंजीनियरिंग कॉलेज 30 अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज इंक्लूडिंग IIT और NIT, अगर अपन बात करें तो 23 अपने IITs हो गए, 31 अपनी NITs हो गई, 25 अपने IIITs हो गए, CFTIs हो गई, उसके बाद आपके प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो जो देश के टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसकी 3 ब्रांचों में मेरा नाम होना चाहिए। पहली ब्रांच कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इनमें हमारा नाम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन मैकेनिकल, इससे ज्यादा नीचे अपन इन 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की टॉप 3 ब्रांचों में अगर हमारा नाम हमको लिखना है तो हमारी परसेंटाइल कम से कम अगर अपन बात करें तो 97% के ऊपर होनी चाहिए जेई मेन में। अरे यस और नो? और जे एडवांस में हमारा 45% से 50% के ऊपर स्कोर होना, क्या बहुत टफ काम है? नहीं, अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज चलेंगे, बिल्कुल डिसेंट तरीके से पढ़ेंगे तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं। ये हमारे जीवन का पहला पड़ाव है, जब हम इस पड़ाव तक पहुंच जाएंगे उसके बाद हम रैंक के लिए लड़ेंगे। क्या मेरी बात लिया रहे एकदम? तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है।